कि वो क्या जी रही है और किस बात का एहसास कराती है, वो बात कहती हूँ, सुनेगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। जो लोग प्रेम कर रहे हैं या जितने मेरे नौजवान साथी हैं जो प्रेम में हैं, वो ये जान ले कि नारी कितनी भी आधुनिक हो जाए, उसके वस्त्र पहनने का तरीका बदल जाए, उसके उठने बैठने का तरीका बदल जाए, नारी कितनी भी आधुनिक हो, लेकिन जब वो प्रेम करती है तो अपने अंतर्मन को इसी ही बात का एहसास कराती है जो बात मैं कहने जा रही हूँ। हालांकि भूतपूर्व नौजवान साथी जो इक्का दुक्का मुझे दिखाई दे रहे हैं और जो इस पिंक भीड़ में कहीं कहीं बैठे हुए हैं, उन्हें मैं एक सलाह दे देती हूँ। अभी मेरी पंक्तियाँ पूरी नहीं हुई हैं, बीच में सलाह दे रही हूँ कि आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिनमें आपको ये पता नहीं चलता कि सामने कौन है और आप चैटिंग में लगे रहते हैं। मैं केवल एक सलाह उन्हें देती हूँ, सामने कौन हो सकता है पता नहीं चलता, कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था, समझ कर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। सुनेगा कि नारी प्रेम करती है तो क्या कहती है। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनू रूप से प्रणाम। ये नए बच्चे हैं, मैं एक बात कह देती हूँ, जितनी नई लड़कियां हैं उन सब से और उनकी फिक्र करने वाले उनके दोस्त, उनके भाई, उनके घर के वो लोग जो उनकी फिक्र करते हैं, या जितनी नारियां हैं, आप सब भी जितनी नारियां हैं, अपने घर की बेटियों को मेरी इस बात को जरूर समझाना यदि मेरी पंक्तियां उन्हें समझ में ना आए। कहती हूँ कि खून अंदर कहीं उबलता है, अब वो समय नहीं जब आप कृष्ण से कहें कि आइए हमारा चीर बढ़ाइए, अब वो समय नहीं कि आप भीष्म को अपने घाव दिखा सकें, अब जो करना है आपको करना है। तब कहती हूँ कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है। और अंतिम बात कह के अब मैं अपनी जगह लेती हूँ। मेरा मन तो नहीं है क्योंकि आपके चेहरों तक, मुस्कुराहट और दिलों तक कोई बात पहुँचाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और आप सबने इतने मन से, खास तौर से अंकल जी ने इतने मन से मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ और एक बात कहती हूँ, सुने कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। ये बहुत महनीय पंक्तियाँ हैं और ये पंक्तियाँ मैं अक्सर तब कहती हूँ जब कोई आप पर उंगली उठाए, आपके स्वाभिमान को चैलेंज दे, तब ये बात उसको जरूर कहिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। इस सदन में जहाँ जहाँ भी
हाथों को तैयार रखें और आज के इस कार्यक्रम की सौगात आपकी करतल ध्वनि मुझ तक पहुंचाए, इसलिए भी क्योंकि हम यहाँ पर अपने सम्मान के लिए उपस्थित हैं। कहती हूँ कि आ गए तुम भी नहीं हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, मगर